अल्लाह पाक का मतलब शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़ की तौफीक दी है। सुभान अल्लाह। शॉर्ट जो रास्ता जो इंसान अल्लाह के जिक्र वाले पास लग जाता है, शुक्र अदा करना ना छड़े, शुक्र करता रहे औखा सौखा वेला लग जाएगा, शुक्र करता रहे कि मुकाम कैसा आएगा। हजरत ने हजरत सही उकल शाह अम्बालवी आप एक दफा मस्जिद बैठे सन, साथी समझा रहे सन कि जन्नत के अंदर किस तरह मामलात होंगे। इस तरह आप जो मरीज बैठे सन, आप फरमा रहे सन कि जन्नती संगी होंगे, एक दरख्त होएगा तकरीबन उसकी जी हाइट है 500-600 फुट का फासला होगा। आप ने फरमाया कि जो जन्नती ने उत्ते जाएंगे तो फल लेके आएंगे। मरीजा ने कहा कि सरकार सलाह हुई तो बंदा इन्हें इतनी जाके फल लेके आएगा, ये तो सलाह हुई। आपने फरमाया कि बेली हुए नहीं, इस तरह नहीं। आपने मस्जिद बैठे सन, मस्जिद के दरवाजे के स्तूत का दरख्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, स्तूत का दरख्त लगा है। आप समझा रहे हैं कि बिली इस तरह नहीं, बंदा इस तरह बैठा होगा, इशारा करेगा, इशारा करेगा, इशारा करेगा तो फल जो अपने आप ही जोड़ी जा जाएगा। सामने स्तूत का दरख्त लगा थी, आप फरमा रहे कि बेलियो बंदा इशारा करेगा, इशारा करेगा, सुभान अल्लाह, दरख्त अपनी जगह पे उठिया, दरख्त आप वाले पास आने लगे। आपने मैं बेलिया तू देख लो, मैं तो लोगों को मसला समझा रहे हैं, तू देख लो जा रहे, मैं तो मसला समझा रहे हैं। मैं भी ये जो बंदा इशारा करेगा, इशारा तो जन्नत का कर रहे सन, दरख्त को पता लग गया भी इशारा कौन कर रहे। सुभान अल्लाह साईं उकल शाह अम्बालवी आप सैयद नहीं ने, लेकिन मेरे नबी के नाल मोहब्बत जदों इस पीक ते पहुंच जाती है, आप सैयद नहीं ने, सिर्फ सरकार दे गुलाम ने, सुभान अल्लाह, गुलाम ने, लेकिन इश्क मुस्तफा सीने च आया, मेरे नबी के नाल मोहब्बत इस लेवल ते कीती है कि दरख्त नु भी गल मननी पै गई है। इस वजह से मेरे दोस्तों परेशान नहीं होना, औखा सौखा वेला लंघ जाना है। अल्लाह पाक देखो बंदे को कड़ा मुकाम दे दिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नाल हम कलाम हुंदे सन, एक दफा आप जा रहे ने कोहे तूर ते जाके अल्लाह पाक के नाल हम कलाम हुंदे सन, गुफ्तगू करदे सन, जा रहे सन के रस्ते च एक साथी मिलिया, उन्हें कहा अल्लाह के नबी तुसीं अल्लाह के नाल हम कलाम हुंदे जे ते मेरा एक पैगाम दे देना। आपने फरमाया भी दस भी कड़ा पैगाम है। उस शख्स ने कहा ए अल्लाह के नबी है मूसा, मैनू अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाजिया, दौलत बहुत ज्यादा है। साथी ने कि देखो थोड़े जे हालात की वजह तो परेशान हो जाते हैं, पैसा ना आए तो परेशान हो जाते हैं। खुदा की कसम मेरे दोस्तों अल्लाह की रहमत मेरी तेरी एक सैकंड के सारिया तेरिया कमियां दूर हो जाएगी है, सारे तेरिया हमेशा पूरी हो जाएगी, लेकिन तू अपनी जो तू मिशन शुरू किया है वो तो लगा रहना है, लगा रहना है, पीछे नहीं हटना, अपने आप को साबित कदम रखना है। वो साथी ने अर्ज की अल्लाह के नबी जाके मेरा पैगाम में देना है कि या अल्लाह मैंने इन्हीं नेमतें देतियां ने, इन्हीं नेमतें दीतियां ने, थोड़ी जी नेमतें काट जाने हैं, थोड़ी जी नेमतें काट जाना। मैं ठीक है थोड़ा जहा सफर किया, अगे अगे और बंदा मिलया, उन्हें कहा जी अल्लाह के नबी तुसीं अल्लाह पाक के नाल हम कलाम हुंदे जे ते मेरा भी पैगाम एक अल्लाह नूं देना है। आपने फरमाया भी दस भी, उन्हें कहा जी मेरे हालात देखो की ने, अल्लाह पाक की अर्ज करनी कि मेरे ते भी कोई नजरे करम कर दे। आपने फरमाया ठीक है। हजरत मूसा अलैहि सलाम वो दूर ते पहुंचे ने, बात थोड़ी जी खोलो जी, बहुत बड़ा लग रहा है, अल्लाह पाक ने फरमा दिता कि मूसा
जिहड़े बंदे ने पैगाम भेजिया जिहड़ी मेरियां नेमतां कुछ घट जाण मूसा मेरा उन पैगाम देना है यह बंदे आ तू मेरा शुक्र अदा करना भी घट कर रहे हैं शुक्र घट करेगा तेरी नेमतां घट जाणगी दूसरा बंदा जिन्हें कहा कि अल्लाह पाक नूं कैस करना जी मेरे ते भी नजरे करम अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा नूं पैगाम देना है कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे शुरू कर दे तेन भी नेमता दे नाल नवाजांगे सुभान अल्लाह आप उन दोनों दे पैगाम लेके आए वो शख्स ने जिन्हें कहा जी मूसा मेरा पैगाम देना है कुछ नेमता घट जाण उस बेली नूं आपने जवाब दिता आपने फरमाया भी तेरे वास्ते हुक्म भी आया है तू थोड़ा जा शुक्र अदा करना घट कर दे घट करेगा तो नहीं क्या घट होनगिया उस शख्स ने कहा यह भी नहीं हो सकता है नेमत कटिया बदे मैं शुक्र अदा करना घट नहीं करना मैं शुक्र अदा करते जाना दूसरे बंदे की वारी आई जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिता आपने फरमाया भी तेरे वास्ते पैगाम है अल्लाह शुक्र अदा करना ज्यादा कर उन्होंने कहा जी मैं किवें ज्यादा कर सकना मेरे कपड़े फटे ने मेरे फाके ने मेरे हालात ऐसे ने आपने फरमाया कि देख तू अल्लाह पाक ने जिन्हें देते ने तो वो ही आपने फरमाया कि देख एक तेन रब ने आंख दी है तू सारी दुनिया दे ना देखना पे रब ने तेन पैर दिते ने पूरी दुनिया ते तू चलता फिरदा पे रब ने तेन हाथ दिते ने आपने नुक्ता समझाया कि बिरिया देख तेन अल्लाह पाक ने किनिया नेमता दी है लेकिन वो बंदा कहंदा नहीं जी दौलत मिलेगी तो मैं फिर शुक्र अदा करना है आपने फरमाया तो तेरी नेमत भी नहीं बढ़ सकती है तेरी नेमत भी नहीं बढ़ सकती पता लगा ये सानू ये पैगाम की सबक दे रहा है हालात जिस तरह के भी होन अल्लाह का शुक्र अदा करना घट नहीं करना बेटिया थोड़ा जा वक्त आंदा है खुदा की कसम है अल्लाह वाले दे दर दे उते जाके किहड़ियां मौका मिलदियां ये पैगाम सानू मिलदे ने अपना हौसला रखना पूरा पूरा हौसला रखना है पूरे हौसले के नाल चलता जाना है कई साथी ऐसे होंगे ने थोड़ा जा मुश्किल वक्त आंदा है तो परेशान हो जाना